ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत। आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 11th और 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों के करियर से संबंधित है। इस वीडियो से पहले एक वीडियो में बताया गया था आपको केमिस्ट्री सर के द्वारा, दीपक सर के द्वारा, कि जो आफ्टर टेंथ क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी होती है, क्या कैरियर बनाया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा की गई थी। तो उसके बारे में चर्चा करके बताया गया कि आपको जनरल बता दूं थोड़ा सा आगे कि उसमें दो आपको ब्रांचेस बताई गई, एक तो नॉन मेडिकल ब्रांच साइंस की, यानी जो दसवीं के बाद में जो विद्यार्थी साइंस लेते हैं तो उनके दो वर्ग बनते हैं, एक नॉन मेडिकल और दूसरा मेडिकल वर्ग। जो नॉन मेडिकल होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट को सम्मिलित किया जाता है, और जो मेडिकल लाइन होती है या मेडिकल साइंस होती है उसके अंदर आपको सब्जेक्ट होंगे वो होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी PCB। तो अपन इसमें से एक विषय है बी, यानी बायोलॉजी के बारे में बातें करते हैं, यानी बायोलॉजी है वो 11th और 12th के बाद में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज देती है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में आपको थोड़ी इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि इसके द्वारा जैसे डॉक्टर्स हैं डॉक्टर्स के लिए क्या होंगे, जैसे MBBS वगैरह, BDS है, यानी इसके डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में आपको बता दिया गया, इसके अलावा पैरामेडिकल के बारे में बता दिया। अब ये जो ब्रांचेस तो बता दी गई या इसका जो आगे की जो ब्रांच है उनको डिवाइडेड तो कर दिया इनके बारे में, अब उनका सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से उस स्तर तक अपन पहुंच सकते हैं, उसका पहुंचने का जो स्टेप बाय स्टेप है वो क्या है, और कितना पढ़ेंगे और कौन सा टॉपिक कितना पढ़े जिससे कि उसके स्टेज तक पहुंच सके या वो टारगेट है अपन अचीव कर सके, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो यानी अपन चर्चा करेंगे कि इस जो बायोलॉजी का सिलेबस है जो नीट है, जिपमर है, एम्स है, उसमें क्या क्या आते हैं और उनका कितना वेटेज होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक चीजों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। तो यहां पर आता है आपको बायोलॉजी चैप्टर वाइज वेटेज इन अदर बेसिक कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो फर्स्ट क्लास 11 से चर्चा करेंगे 11th की यूनिट, फिर टॉपिक चैप्टर और उनका कितना वेटेज है यानी कितना परसेंट है वो आपको कवर करेगा नीट, जिपमर, एम्स। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि नीट, जिपमर, एम्स इन सभी को इंक्लूड करके एक नीट में ही बना दिया गया है, और उसका जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू NCERT बुक के आता है, तो उसका मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता रहा हूँ। तो पहले आता है फर्स्ट यूनिट होगी 11th की डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जीव जगत में विविधता। अब इसमें जीव जगत में क्या आएंगे, अब यहां पर एक शब्द आ गया है जीव जगत, तो जीव जगत का मतलब यहां पर सभी प्रकार के सजीव सम्मिलित होंगे, और सभी प्रकार के सजीव से मतलब यह है कि इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, पादप भी आएंगे, जंतु भी आएंगे और सूक्ष्म जीव भी सम्मिलित होते हैं। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, जीव जगत के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो जीव जगत में विविधता, और विविधता में क्या, विविधता के यानी वो उनका आवास क्या है, उनका भोजन क्या होगा, ये उनके भोजन बनाने की प्रोसेस क्या है, उनकी लाइफ साइकिल, जीवन व्रत कैसा है, ये सारी प्रक्रियाएं किसके अंदर आएगी, जीव जगत की विविधता में सम्मिलित की जाएगी। और जीव जगत की विविधता है वो आपको जो बेसिक यानी आगे के जो कंपटीशन होंगे उन कंपटीशन में इसका 40% वेटेज होगा, यानी 40% क्वेश्चन है इस यूनिट में से आएंगे, नीट, जिपमर, एम्स, इनमें ये 40% कवर करता है। अब इसमें चैप्टर कौन कौन से सम्मिलित किए जाएंगे, जो यूनिट फर्स्ट होगी उसमें चैप्टर कौन से सम्मिलित किए जाएंगे, द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, यानी सभी जीव आएंगे, सूक्ष्म जीव
पादप जंतु इन सभी को सम्मिलित किया गया। सूक्ष्म जीव में क्या आएंगे, जीवाणु विषाणु वो भी सम्मिलित किए जाएंगे। तो सारे जीव है वो इसके अंदर क्या किए जाएंगे, सम्मिलित किए जाते हैं। अब इसके अलावा ये भी पढ़ा जाएगा इसके अंदर कि जीव क्या है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ यानी जीवन क्या है, जीव क्या है, लाइफ क्या है, तो उसके बारे में भी इसमें अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत के वर्गीकरण में क्या आएंगे, सभी जीवों का, सूक्ष्म जीवों का, पादपों का, जंतुओं का वर्गीकरण आएगा। और विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा इसका जो वर्गीकरण है वो विभिन्न प्रकार से दिया गया। कुछ पहले इसके जीव जगत पद्धति में रखा, फिर क्या त्रिजगत, फिर क्या चतुर जगत, फिर पंच जगत, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है पंच जगत अवधारणा, जो कि आरएच व्हिटेकर के द्वारा दी गई थी। तो यह अब ये भी इसके अंदर सम्मिलित, यानी जीव जगत के वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, इसका होगा यानी द्वि जगत, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम और फाइव किंगडम के बारे में। और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो फाइव किंगडम है। फाइव किंगडम के अंदर एनिमल्स जितने भी जीव है उनको फाइव किंगडम यानी पांच जगत में डिवाइडेड किया गया है। पांच जगत कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली। ये पांच जगत हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमली। ये दो है वेल डेवलप्ड है। पहले यहां पर जो फंजाई है, फंजाई किसके अंदर सम्मिलित किया गया था, प्लांटी के अंदर। बाद में ये देखा गया कि फंजाई है ये अपना पोषण स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कर दिया, प्लांटी से पृथक कर दिया गया, सेपरेट फ्रॉम प्लांटी, बिकॉज दे आर नॉट produce our food self, so they are our heterotrophs. Monera और Protista, Monera और Protista, Monera के अंदर only कौन से unicellular को include किया गया है, unicellular जो है वो किसके अंदर include किया गया है, Monera, ठीक है। Protista, Protista के अंदर multicellular भी हो सकता है, ठीक है। ये तो होगी जीव जगत का वर्गीकरण, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर आता है उसमें पादप जगत, प्लांट किंगडम। पादप जगत के अंदर ओनली सभी किसको, पादपों को सम्मिलित किया गया है। इस जितने भी पादप हैं उन सभी को इसमें सम्मिलित किया गया है। और पादप जगत में कौन कौन से, यानी जो पादप जगत है उस पादप जगत में किन किन को सम्मिलित किया गया है, पादप जगत के अंदर आएंगे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी, या इसको कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी, एंजियोस्पर्म या आवर्तबीजी। तो ये किसके अंदर सम्मिलित किए जाएंगे, पादप जगत के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो पादप जगत के अंदर इन सभी का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर आते हैं जंतु जगत, जंतु जगत में क्या क्या सम्मिलित किए जाएंगे, जंतु जगत के अंदर, जंतु जगत में दो, एक होंगे अकशेरुकी और दूसरे क्या होंगे, कशेरुकी, ठीक है। एक तो होंगे अकशेरुकी और सेकंड कशेरुकी। अकशेरुकी मतलब इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट, ठीक है, कशेरुकी और अकशेरुकी। इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट में भी टू टाइप के होंगे, एक तो
लोअर यानी निम्न अकशेरुकी और सेकंड होंगे हायर अकशेरुकी यानी उच्च अकशेरुकी। ठीक है, वर्टिब्रेट कशेरुकी, कशेरुकी को अकशेरुकी से विभेदित करने के तीन प्रमुख लक्षण होंगे, कौन कौन से होंगे जिसके आधार पर पहचाना जा सकता है। तीन महत्वपूर्ण है जो कि कशेरुकी को अकशेरुकी से पृथक करते हैं। पहला है कि इनकी पृष्ठ सतह के ऊपर एक खोखली तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होती है जिसमें तंत्रिका रज्जु उपस्थित होती है। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि इनमें एक खोखली जो तंत्रिका नाल है उपस्थित होगी, डोर्सल होलो नर्व कैनाल पर्जेंस। और तीसरा है गिल क्लॉम्स या गिल स्लिट्स, क्लोम दरारें उपस्थित होती है। ये इन कशेरुकियों की जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य उपस्थित होती है, लेकिन अकशेरुकियों में यह नहीं पाई जाती है, तो इसको इनकी से पृथक किया जा सकता है। निम्न कशेरुकियों में कौन सी आएंगे? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्कहेलमिंथीज जिसको निमेटोड भी कहते हैं, यहां तक के जो है वो किसके अंदर आते हैं? निम्न अकशेरुकियों के अंदर आते हैं। फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोड्रोमेटा है वो किसके अंदर आते हैं? हायर इनवर्टिब्रेट के अंदर, उच्च अकशेरुकियों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इसके बाद में आता है एक हेमिकोर्डिटा जो कि न तो कंप्लीटली कशेरुकियों में आता है और न ही अकशेरुकियों में, इसलिए उसको क्या कर दिया गया? हेमिकोर्डिटा यानी दोनों के बीच में रखा गया है। और कशेरुकियों को वर्गों में विभेदित किया गया है, वर्ग दो। एक तो कौन सा इसमें विभेदित किया गया है, किस पे? टेट्रापोडा और एक पिसीज। पिसीज और टेट्रापोडा, पिसीज के अंदर तो जितनी भी मछलियां हैं वो सारी सम्मिलित की जाएंगी, टेट्रापोडा के अंदर कौन से आएंगे? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमलिया को इंक्लूड किया जाता है। टेट्रा का मतलब होता है फोर, पोडा का मतलब होता है फिट, फेर यानी जिसके चार पैर उपस्थित होते हैं वो किसके अंदर आएंगे? टेट्रापोडा के अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण होगा। ये तो हो गया एनिमल किंगडम यानी दूसरी। उसके बाद में अपन बात करें यानी पहली यूनिट की ये चर्चा होगी, उसके बाद में आती है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में जो सम्मिलित किया जाएगा वो होगा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। किस क्या किसका ऑर्गेनाइजेशन? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी उनकी संरचनात्मक संगठन, यानी उनकी किस प्रकार से वो बने हुए हैं उनके बारे में जानकारी किसके बारे में होगी इसमें? तो इसका हिंदी में अर्थ होगा पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी उन जीवों का शरीर किस प्रकार से बना हुआ है और वो किस प्रकार से कार्य करता है उसके बारे में किसमें चर्चा होगी? इस यूनिट सेकंड में होगी, जो कि यूनिट सेकंड है। और ये कवर करते हैं कितना? नीट जिपमर एम्स का 5% ये अप्रोक्सीमेटली क्या करती है कवर, यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 5%। इसमें कितने लेसन इंक्लूड किए गए? इसमें 3 लेसन इंक्लूड किए गए। कौन कौन से इंक्लूड किए गए? फर्स्ट लेसन है यानी इसका, यानी फोर्थ लेसन तक क्या हो गया, फिफ्थ लेसन आ जाएगा मॉर्फोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों की आकार की। और पुष्पी पादप कौन से होते हैं? आवर्त बीजियों को क्या कहते हैं? पुष्पी पादप कहते हैं। किनको? आवर्त बीजी। आवर्त बीजी का मतलब एंजियो स्पर्म है, इन एंजियो स्पर्म को क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट से कहते हैं। और एंजियो स्पर्म को 2 क्लास में डिवाइडेड किया गया है, कौन सी? डाइकॉट और मोनोकॉट। यानी डाइकॉट का कौन सा हो गया? द्विबीजपत्री, और मोनोकॉट का कौन सा हो गया? एक बीजपत्री इन। ठीक है, तो पुष्पी पादपों की आकार की इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? पुष्पी पादपों की आकार की पुष्प की संरचना। ठीक है, पुष्प संरचना के बाद में इसकी मूल, तना, जड़, पत्तियां, पुष्प कैसे होते हैं, मूल किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, तना क्या होता है, कैसी होती है, उन संरचनाओं के बारे में अपन क्या कर देंगे? इसकी आकार की बारे में, मॉर्फोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर आता है छठा, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स यानी पुष्पी पादपों की शारीरिक, यहां पर शरीर या ऐसा भी कह सकते हैं शारीरिक भी लिख सकते हैं इसको,
क्या लिख सकते हैं, शारीरिकी, एनाटोमी, यानी उनकी आंतरिक संरचना कैसी है, उसके बारे में किसके किसमें अध्ययन करेंगे, पुष्पी पादपों की एनाटोमी, यानी एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, यानी इसके अंदर क्या होंगी उनकी सेल, टिश्यू, और टिश्यू को भी आगे किसमें, यानी टिश्यू में क्या क्या होंगे, फ्लोएम है, जाइलम है, पेरेनकाइमा है, स्क्लेनकाइमा है, इन सभी के बारे में स्टडी किसमें की जाएगी, इस टॉपिक में, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। इसके अलावा फ्लोर की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में भी चर्चा होगी, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, स्टेमन, इन सभी की चर्चा किसमें होगी, इस चैप्टर में होगी। फिर सेवन आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी प्राणियों का शरीर, यानी ये तो किसकी इसकी होगी, तो प्राणियों का भी कैसा शरीर है, किस प्रकार से बना हुआ है, यानी उनमें टिश्यू, ऊतक कैसे हैं, किस प्रकार के, कितने प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनमें ऊतक कौन से होंगे, जैसे एक एक आपने पढ़ा होगा कहीं पर, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का एक अच्छा सा उदाहरण है आपके लिए रुधिर, एक तरल संयोजी ऊतक है, कहीं पर पूछ लिया जाए कि रुधिर क्या है, तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसी प्रकार हमारी त्वचा, ऊपर की ये त्वचा है, इसमें कौन सी है, एपिथीलियम है, तो इसी प्रकार से इसमें हमारे शरीर के अंदर हमारे, यानी जंतुओं का जो शरीर है, प्राणियों का जो शरीर है, वो चार प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है। कौन सा चार प्रकार के ऊतक होंगे, एपिथीलियम होंगे, एपिथीलियम ऊतक जो कि ऊपरी स्तर पर होते हैं, संयोजी ऊतक होंगे, ठीक है, संयोजी ऊतक जो कि कैसे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तरल संयोजी ऊतक है, उसके बाद में तंत्रिका ऊतक है, पेशी ऊतक है, ये सारे किसके अंदर, अपन ऊतकों के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या होगी, संरचनात्मक संगठन हो जाएगा। तो ये बात होगी इसकी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट तीसरी की बात करें अपन, तो तीसरी यूनिट में आती है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका संरचना और कार्य। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कोशिका की संरचना कैसी होगी और उसके कार्य क्या क्या होंगे उनके बारे में, यानी कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, तो उन कोशिकांगों के कार्य भी उसमें क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। कोशिकांग कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जीकाय, केंद्रक, राइबोसोम, इतने जितने भी कोशिकांग होंगे उन सभी की संरचना और कार्य के बारे में अपने यहां पर क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। इसके अंदर चैप्टर आएगा आठ, यानी आठवां चैप्टर होगा यूनिट थर्ड का, और इसका जो वेटेज होगा वो कितना होगा, 9%, यानी इस यूनिट में से 9% है नीट, एम्स, जीपीएमआर वगैरह में क्या आएंगे, क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट जो इसका चैप्टर होगा एट, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई है, यानी कोशिका की संरचना क्या है और कोशिका किस प्रकार से जीवन की इकाई है उसके बारे में इसकी चर्चा, यानी कोशिका किन किन से, कोशिका के संरचनात्मक संगठन क्या है, कोशिका का रासायनिक संगठन क्या है, कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं, वो सारी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। फिर बायोमोलिकुल्स, जैव अणु, नवा चैप्टर है बायोमोलिकुल्स, जैव अणु, बायोमोलिकुल्स और जैव अणु, यहां पर दो शब्द आए हैं, बायो और मोलिकुल्स, बायो और मोलिकुल्स। बायो का मतलब जो कि, बायो का मतलब अगर अपन देखें तो क्या होता है, लाइफ होता है, और मोलिकुल्स का मतलब है नॉन लाइव पार्टिकल्स, ठीक है, यानी सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंस नॉन लाइव पार्टिकल्स या नॉन लिविंग पार्टिकल्स जो उनकी लाइफ स्ट्रक्चर को यानी जीवन क्रिया को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको क्या कहते हैं, बायोमोलिकुल्स कहते हैं। और बायोमोलिकुल्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ये सारे किसमें इंक्लूड होते हैं, बायोमोलिकुल्स में इंक्लूड होंगे। और इनकी बारे में अपन क्या करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी संरचना, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये कौन कौन से
अणुओं में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस होती है उनके बारे में, इसी प्रकार प्रोटीन, प्रोटीन कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना क्या है उसके बारे में, इसी प्रकार लिपिड, डीएनए, आरएनए, इन सभी के बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका दसवां लेसन, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। यानी जो कोशिका है, एक कोशिका है, क्या वो कोशिका हमेशा एक ही बनी रहती है, या उसी कोशिका में बार बार विभाजन होता है, या अगर जो विभाजन होता है तो क्यों होता है, ये सारी जानकारी अपन किससे प्राप्त करेंगे इस लेसन में, यानी कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन में करेंगे। अब बात करें अपन, जैसे एक सामान्य चर्चा करते हैं, कोशिका विभाजन है, कोई भी ये कोशिका है, ये कोशिका है, इस कोशिका की साइज हमेशा यही नहीं रहेगी, क्योंकि ये कोशिका क्या करती है, न्यूट्रिशन लेती है, और न्यूट्रिशन लेकर के क्या करते हैं, अपने साइज को इंक्रीज करती है, अपने साइज में वृद्धि करती है, साइज में क्या करती है, वृद्धि करती है, अर्थात इंक्रीज होती है, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, लार्ज इन साइज में हो जाएगी, यानी ये वृद्धि करते हुए, ग्रोथ करते हुए बड़ी हो जाएगी। अब जैसे ही ये ग्रोथ कर लेगी या अपने साइज को इंक्रीज कर लेगी, तो इंक्रीज करने के बाद में ये अपना क्या करना है कि बैलेंस नहीं बना पाएगी, और जब बैलेंस नहीं बना पाती है तो बैलेंस नहीं बनाने पाने के बाद इसमें क्या होता है, डिविजन होता है। यानी जब ये बैलेंस नहीं बना पाएगी तो इसमें क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा, और डिविजन हो जाने से क्या बन जाती है, टू सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी ये टू सेल बनी, इन दोनों सेलों का, ये दो सेल बन गई, इन दोनों सेल की जो शेप है और साइज है वो क्या हो जाएगी, इसकी कंपैरेटिवली लेस हो गई है, तो ये इसलिए इसमें क्या हो गया, डिवीजन हो गया। तो इस चैप्टर में अपन चर्चा करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। फिर आगे नेक्स्ट आता है प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की या पादप शरीर विज्ञान। इस पादप शरीर विज्ञान के अंदर क्या पढ़ेंगे, तो ये चौथी यूनिट होगी, इसके अंदर पादपों की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और ये कंप्लीट यूनिट है वो 6% यानी 6% क्या करती है, वेटेज करती है, यानी इस यूनिट से 6% क्वेश्चन है वो आएंगे नीट, एम्स, जिपमार। ठीक है, इसका 11th लेसन आता है, यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पादपों में परिवहन। अब पादपों में परिवहन किसका होगा, परिवहन किसके द्वारा होता है, इसके बारे में इस लेसन में चर्चा होगी। तो यहाँ पर परिवहन का मतलब क्या होता है और परिवहन होगा किसका, इसके बारे में अपने इसमें क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो परिवहन का मतलब है कि पादपों के अंदर परिवहन के लिए दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, एक तो होती है जाइलम एंड सेकंड होती है फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, कौन से टिश्यू कहेंगे, हैं, कनेक्टिव टिश्यू। या ऐसे कह सकते हैं कि ये कंपाउंड टिश्यू है। कंपाउंड टिश्यू का मतलब मोर देन टू टाइप ऑफ सेल, यानी दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के संयोजन से इसका निर्माण होता है, इसलिए ये क्या कहेंगे, कंपाउंड या कनेक्टिव टिश्यू कहलाएंगे। जाइलम तो क्या करता है कि रूट से वाटर यानी जल एंड मिनरल्स यानी खनिज लवणों को अवशोषित करता है। यानी ये जाइलम क्या करेगा, मूल से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करता है। यानी ये क्या करता है, जाइलम पार्ट है वो एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम लैंड बाय रूट पार्ट। तो ये क्या हो गया, जाइलम के यानी इसका फंक्शन क्या हो गया, कलेक्ट करना। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम यानी पत्ती वाले भाग के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा क्या बनाता है, भोजन का निर्माण करता है, न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो फ्लोएम क्या करता है, पत्ती के अंदर बने हुए भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है। तो फ्लोएम का फंक्शन यानी इसमें फ्लोएम क्या हो गया, परिवहन का कार्य, किस कौन सा परिवहन करेगा, ट्रांसफर दी मेक न्यूट्रिशन फ्रॉम वन सेल और लीव टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ट्रांसफर बाय फ्लोएम। ठीक है, तो ये परिवहन का कार्य होगा। अब परिवहन भी दो प्रकार का होगा इसमें, एक तो क्या होगा, सक्रिय परिवहन यानी एक्टिव, और दूसरा क्या होगा, निष्क्रिय इनएक्टिव। यानी ट्रांसपोर्ट भी टू टाइप का होगा, एक्टिव एंड इनएक्टिव, यानी सक्रिय और निष्क्रिय। एक्टिव में क्या होगी, एनर्जी यूज होगी, एनर्जी कहां से आएगी, एनर्जी एज ए
एटीपी के रूप में यूज होगी और निष्क्रिय में एनर्जी यूज नहीं होगी, और निष्क्रिय यानी इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा है वो यूज नहीं होगी। तो ये बात करेंगे अपन इसके बाद। फिर नेक्स्ट आता है मिनरल्स न्यूट्रिशन, खनिज पोषण। मिनरल्स न्यूट्रिशन यानी ये मिनरल न्यूट्रिशन है, ये प्लांट्स में कौन कौन से जो प्लांट्स मिनरल्स न्यूट्रिशन को ले सकते हैं उनके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। तो प्लांट्स को अवेलेबल होने वाले जो मिनरल्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं वृहत यानी मेजर या मैक्रो कह सकते हैं इनको, और दूसरे प्रकार के होते हैं वो सूक्ष्म या माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। यानी एक तो कौन से हो गए, वृहत तत्व है, और दूसरे कौन से हो गए, सूक्ष्म तत्व है यानी मैक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो एलिमेंट्स। ठीक है, मैक्रो एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से आएंगे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये किसके अंदर आते हैं, वृहत के अंदर आते हैं। अब वृहत सूक्ष्म में कौन कौन से आ जाएंगे, जिंक, कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये जितने भी है ये किसके अंदर आ जाएंगे, सूक्ष्म मात्रा। यानी सूक्ष्म मात्रा का मतलब है कि इनकी सूक्ष्म मात्रा यानी लेस देन 0.1 mm इन ए 10 ग्राम ऑफ ड्राई प्लांट्स वेट यूज्ड इन न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिशन। और मोर देन 10 mm पर ग्राम यूज बाय प्लांट्स दिस इज कॉल्ड मैक्रो। ठीक है, तो ये दो प्रकार के तत्व हो गए जो कि पादपों की वृद्धि के लिए, उनकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए आवश्यक होते हैं। अगर इनमें से किसी एक तत्व की कमी होगी तो उस तत्व से संबंधित उसमें क्या होंगे, विकार उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे हमारे अंदर किसी कोई तत्व की कमी हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो उससे संबंधित बीमारी हो जाती है, तो उसी प्रकार से इन पादपों में भी क्या होता है, कोई भी तत्व अगर कमी हो जाती है, जैसे कैल्शियम की कमी होगी तो उससे संबंधित बीमारी हो जाएगी। यानी कैल्शियम कमी होगी तो पत्तियों के जो अग्रभाग है वो क्या हो जाएंगे, यानी जो आगे कलिका अवस्था में यानी जब या पादप के अग्रभाग के ऊपर पाए जाने वाले, शिखागर भाग के ऊपर पाए जाने वाले पत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी, मुरझा जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। इसी प्रकार बोरोन है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, बोरोन क्या है, सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है, लेकिन वो भी क्या करता है, अगस्त या शीर्ष कलिका या पत्तियां होती है उनकी वृद्धि को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। तो इसी प्रकार ये पादपों के अंदर खनिज पोषण है वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनके बारे में अपन यानी इन खनिज पोषण तत्वों के बारे में अपन इसमें चर्चा करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। उच्च पादप कौन से, आवृतबीजी पादप, अनावृतबीजी पादप, उच्च पादप है। इन पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का मतलब, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों की पत्तियों के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रकाश संश्लेषण, जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल संयोजित होकर के किसका निर्माण करते हैं, रासायनिक उत्पाद यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है। तो ये प्रक्रिया यानी इसमें क्या होगी कि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा में उपस्थित जल को अवशोषित करती है, और क्या मिलता है, लाइट यानी प्रकाश, और किस पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। जब ये आपस में क्रिया करेंगे, यहाँ पर जो क्लोरोफिल है वो किसके, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की उपस्थिति में एग्जॉस्ट हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, उत्तेजित होने से कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा, और किसका फॉर्मेशन निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, और ग्लू और ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है, ऑक्सीजन क्या होती है, मुक्त होती है, जिसको अपन श्वसन के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन यानी फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके अलावा इसके साथ साथ में ये भी करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो महत्वपूर्ण अंग है, कोशिकांग है, वो कौन सा होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि कौन सा है, हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है।
फिर रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, पादपों में श्वसन कैसे होता है, क्या केवल जंतुओं में श्वसन होता है या पादपों में, इसके बारे में भी अपन, यानी जंतुओं में श्वसन होता है और जंतुओं में श्वसन की क्रिया होती है तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, यानी जंतु क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन श्वसन के रूप में लेते हैं, यानी एनिमल्स इनटेक ऑक्सीजन एज ए रेस्पायरेशन, ठीक है। बट पादपों में भी क्या ऑक्सीजन ली जाती है श्वसन के रूप में, एक मिनट सोच के बताइए, क्या पादपों में भी ऑक्सीजन श्वसन के रूप में ली जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड? अब बहुत सारे कई बार पूछा जाता है तो उत्तर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है। जितने भी सजीव है, याद रखना आपको कि कोई भी सजीव है चाहे कोई सा भी है, कुछ अपवाद छोड़ करके, जैसे जीवाणु में कुछ अपवाद होते हैं जो कि ऑक्सीजन यानी अनोक्सी शोषण करते हैं, उनको छोड़ करके सभी सजीव क्या करते हैं, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन के रूप में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक ऑक्सीजन एज ए रेस्पायरेशन, ठीक है। तो पादप भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन एज ए श्वसन के रूप में काम लेते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड किस में काम लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में काम में लेते हैं, किसमें, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में लेते हैं। ये याद रखना आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कहां पर होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और उसमें ऑप्शन होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन पूछा जाता है तो उसमें लगभग बच्चे यही आंसर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूशन में नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें यूज में होती है, प्रकाश संश्लेषण में, जबकि ऑक्सीजन क्या करती है, चाहे कोई सा भी सजीव हो, अपवाद बताया आपको कौन सी, अनोक्षी शोषण करने वाले जीवाणुओं को छोड़ करके सभी क्या करते हैं, शोषण में ऑक्सीजन यूज लेते हैं, कौन, सभी सजीव। शोषण की बात होगी, अब इसमें शोषण के साथ साथ में क्या पढ़ेंगे, इसके ग्लाइकोलाइसिस साइकिल भी पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल और ETS, इन सभी को अपन क्या करते हैं इस श्वसन की प्रोसेस में पढ़ेंगे। और ये ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS, इनके द्वारा क्या मिलती है, एनर्जी अवेलेबल होती है, क्या ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा किस रूप में, ATP के रूप में, और ATP की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, या ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पादपों में ATP यानी माइटोकॉन्ड्रिया है या जितने भी कोशिकांग है उनके रूप में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, तो ATP के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित रहती है। फिर आते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में पादपों की वृद्धि है निरंतर रूप से होती रहती है, और इन पादपों की वृद्धि होने का मतलब है कि पादप के शुष्क भार और उसके आयतन में होने वाले जो वृद्धि है या होने वाला परिवर्तन है वही क्या कहलाती है, पादप वृद्धि कहलाती है, जो कि कैसी हो, स्थायी और नियमित रूप से होने वाली हो उसको क्या कहते हैं, पादप वृद्धि। और पादप वृद्धि को मुख्यतः पादपों के अंदर जो वृद्धि होती है वो सिग्मोइड वृद्धि होती है, कौन सी वृद्धि होती है, सिग्मोइड वृद्धि। आपने देखा होगा कि पादप है, जब सिग्मोइड वृद्धि का मतलब है कि जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, ये इसकी वृद्धि है, वृद्धि किस में हो रही है, सेंटीमीटर में मान लीजिए, और ये क्या है, डे है, दिनों की संख्या है, ठीक है। अब एक कोई भी पादप जब अंकुरित होता है, अंकुरित बीज अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद में वो वृद्धि करेगा तो धीमी वृद्धि करेगा, यानी उसका अंकुरण होगा, अंकुरण होने के बाद में धीरे धीरे उसको पोषण मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, वृद्धि करता रहेगा या उसकी ग्रोथ होती रहेगी, तो उस समय वो क्या करेगा, तीव्र वृद्धि करता है, और तीव्र वृद्धि करने के पश्चात एक समय ऐसा आएगा कि उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, और वो अवस्था कौन सी होगी, जब उसकी जनन अवस्था आती है उस समय उसकी वृद्धि स्थिर हो जाती है, तो उस समय उसमें किसका, पुष्पों का निर्माण हो जाता है और वृद्धि स्थिर हो जाती है, यानी इसके बाद में उसकी वृद्धि ज्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम वृद्धि होती है, और ये बीच वाला जो भाग है उसमें वृद्धि अधिक होती है, तो यहां पर जो वक्र बनता है वो किस प्रकार का, एस प्रकार का
तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, सिग्मोइड वक्र कहते हैं। तो पादपों के अंदर मुख्यतः सिग्मोइड वर्दी या एस रूप में वर्दी उपस्थित होती है। इस वर्दी की परिवर्धन को प्रेरित या प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो पादपों के अंदर कुछ हार्मोन उपस्थित होते हैं, हार्मोन उपस्थित होते हैं, और वो हार्मोन क्या करते हैं, पादपों की वृद्धि को प्रेरित वो संदमित करते हैं, यानी वृद्धि को प्रेरित करने का मतलब वृद्धि को बढ़ाते भी हैं, और संदमित करने का मतलब वृद्धि को रोकने वाले भी होते हैं। कुछ हार्मोन होते हैं जो कि उनको क्या कहते हैं, वृद्धि नियंत्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन हार्मोनों को? वृद्धि नियंत्रक कहते हैं। जैसे ऑक्सिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये हार्मोन क्या करते हैं, वृद्धि को प्रेरित करने वाले होते हैं। और इसके अलावा ABA एब्सिसिक एसिड, जिसको क्या कहते हैं, ABA का पूरा नाम है एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल, ये क्या करता है, वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन होता है, वृद्धि को संदमित करने वाला हार्मोन है। तो ये क्या करेंगे, वृद्धि को यानी पादप वृद्धि और परिवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हार्मोन होंगे। फिर यहां पर चार यूनिट तक चर्चा होगी, पांचवी यूनिट होती है जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर विज्ञान। यानी इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे मानव की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना यानी हमारे जो मानव है उसमें आंतरिक जो शरीर क्रिया होती है वो कैसी होती है, उनकी संरचना कैसी होती है, वो कैसे कार्य करते हैं, और उनमें अगर किसी प्रकार का कोई दोष हो जाता है तो उसको किस प्रकार से रिकवर किया जा सकता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं अपन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण। पाचन और अवशोषण, पाचन और अवशोषण, पाचन और अवशोषण का मतलब यहाँ किससे संबंधित होगा, पाचन तंत्र से संबंधित होगा। और आपको बता दें कोई भी तंत्र है, कोई भी तंत्र है वो किससे मिलकर बना होता है, विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है। और एक छोटी सी आपको चर्चा बता दें कि ये तंत्र बनता कैसे है, इसकी एक छोटी चर्चा कर लेते हैं अपन कि सबसे छोटा भाग है, माना जाता है कि अणु है, अणु के भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो अणु अणु मिलकर किसका निर्माण, सॉरी परमाणु, परमाणु है, एटम है, एटम यानी एटम को किसमें डिवाइडेड किया गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का, अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करेंगे। अब यौगिक कौन सा हो जाएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मान ले ग्लूकोज, उदाहरण ले लेते हैं अपन, ग्लूकोज एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो यहां पर क्या है, कार्बन है, कार्बन एक क्या है, परमाणु है, हाइड्रोजन एक क्या है, परमाणु है, ऑक्सीजन एक क्या है, परमाणु है। इस कार्बन के परमाणु मिलकर किसका निर्माण किए, अणु, कितने अणु होंगे, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के कितने, 12, ऑक्सीजन के कितने, 6, ये जब सभी संयुक्त होंगे, संयुक्त होकर किसका निर्माण कर लिया, एक यौगिक का, उस यौगिक का नाम क्या है, ग्लूकोज को। और जब अपन ग्लूकोज लेंगे, तो ग्लूकोज लेंगे तो हमारे शरीर की क्या होगी, ऊर्जा, हमें शरीर ऊर्जा मिलेगी, और वो ऊर्जा किस को मिलेगी, कोशिका को मिलेगी, हमारे शरीर में क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है, कोशिका क्या करेगी, वृद्धि करेगी, वृद्धि करेगी तो अपना नियंत्रण, तो इसका विभाजन होगा, विभाजन होगा तो समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर लेगी, ऊतक का निर्माण कर लेगी, ठीक है, ये समान संरचना और कार्य करने वाले ऊतक मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, अंग का निर्माण कर लेंगे। जैसे मान लीजिए नाक, कान, आंख, ये क्या हो गए, अंग हो गए, और ये विभिन्न अंग मिलकर के यानी समान अंग मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, एक तंत्र का निर्माण, यानी किसका निर्माण, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, ठीक है। अंग तंत्र जैसे मान लीजिए
पाचन तंत्र की बात करें, यहाँ पर है पाचन और अवशोषण, तो पाचन तंत्र की बात कर लेते हैं। तो पाचन तंत्र में क्या कौन कौन से सम्मिलित है, पहले अपन भोजन किस में लेते हैं, मुख में लेते हैं, मुख मुख में भोजन को क्या किया जाता है, चबाया जाता है और इसके साथ में लार मिलाई जाती है, तो ये क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है। बोलस यानी जिसको क्या बोलते हैं, ग्रास बोलते हैं। तो ये फिर अपन किस में, घर्षणी में आती है, घर्षणी से यहां से घर्षिका में आता है, तो ये क्या होगी, मुख मुख गुहा घर्षणी घर्षिका, ये तो सारी क्या है, अंग है। ये सभी अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उस तंत्र को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। और ये इसी प्रकार बहुत सारे पाचन तंत्र, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, ये तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं, एक शरीर का निर्माण करते हैं, एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्या बनते हैं, व्यक्तिगत शरीर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यानी एटम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स सेल, एंड सेल से क्या बन जाएगी, टिश्यू, टिश्यू से क्या बन जाएगा, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम किसका निर्माण करेगा, एक इंडिविजुअल बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम प्रेजेंस होंगे। तो पाचन और अवशोषण, अब जो अपन भोजन किया उस भोजन का पाचन कैसे होगा, कहां पर होगा, कितने समय में होगा, कौन कौन सी उसमें क्रियाएं होगी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण कैसे होगा, और जो आज जैसे अपने भोजन किया है तो उसके द्वारा हमारी जो रुधिर का निर्माण होता है वो कितने टाइम में बाद होता है, कैसे होता है, उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे इसके अंदर, पाचन और अवशोषण के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर आता है 17वां। 17वां चैप्टर में क्या है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, श्वसन एवं गैसों का विनिमय, यानी मानव में श्वसन कैसे होगा और श्वसन में कौन कौन से अंग सम्मिलित होंगे, अपन कितना श्वसन है वो फेफड़ों में संग्रहित कर सकते हैं, कितना अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, कितनी ऑक्सीजन लेंगे, और श्वसन की क्रिया कैसे होंगी, और इसको श्वसन यानी जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं वो कहां पर जाकर संग्रहित होगी, और किस प्रकार से ये रुधिर के साथ में मिलकर रुधिर को शुद्ध करेगी, ये सारी क्रियाएं किसके बारे कहां पर पड़े हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी श्वसन और गैसों के विनिमय में अपन ये चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट लेसन आता है 18वां, फ्लूड बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन, शरीर द्रव्य और परिसंचरण, यानी हमारे शरीर के अंदर रुधिर किस प्रकार से संचरित होता है, रुधिर कहाँ पर संग्रहित रहता है, और ये इसका परिवहन किस प्रकार से होगा, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे किसके अंदर, शरीर द्रव्य और परिसंचरण में। इसके साथ साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर में रुधिर कितना बनता है, कितनी मात्रा होती है, और रुधिर कितने भागों में बंटा होता है, इसके साथ में कौन कौन से अन्य कोशिकाएं पाई जाती है जो कि रुधिर का निर्माण करती है, इसके अलावा रुधिर में कितने प्रकार की कणिकाएं पाई जाएगी, उनका जीवन काल क्या होगी, उनकी संख्या कितनी होती है, और वो हमारे शरीर में क्या क्या सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कौन कौन से रोगों से लड़ने की क्षमता उनमें होती है, उसके बारे में भी अपन चर्चा किसमें करेंगे, शरीर द्रव्य और परिसंचरण के बारे में चर्चा करेंगे। यानी इस भाग में अपन चर्चा करेंगे किसकी, हृदय की संरचना के बारे में, ठीक है। और इसमें चर्चा करेंगे अपन किसके बारे में, फेफड़ों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है एक्सेलेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उसी उत्पाद और उनका निष्कासन, यानी यहां पर अपन किसकी मेन चर्चा करेंगे, वृक्क की यानी किडनी की चर्चा करते हैं, किसकी, यहां पर किडनी की करेंगे, यहां पर हार्ट की, और यहां पर किसकी, लंग्स की, ठीक है। तो इसमें यानी उत्सर्ज उत्पाद कौन से होंगे, यानी जो अपन भोजन लेते हैं, भोजन लेने के बाद में उनमें से जो भोजन पच जाता है, पचने के बाद में जो आवश्यक होता है वो तो हमारा शरीर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और अनावश्यक होता है उनको क्या कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। जैसे गर्मियों के दौरान पसीना आता है, पसीना भी क्या है, एक उत्सर्जी उत्पाद है, किसके द्वारा क्या आता है, त्वचा के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। इसी प्रकार वृक्क यानी किडनी, हमारे शरीर में दो किडनी पाई जाती है, एक जोड़ी किडनी होती है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर के साथ में जब मिले होते हैं तो उनको क्या करता है, छानने का कार्य करता है, छान करके फिर उसको क्या करता है, मूत्र के रूप में बाहर उत्सर्जित करता है। तो इसमें कौन कौन से उत्सर्जित उत्पाद होंगे,
कि उपज उत्पाद के आधार पर जंतुओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, वर्ग की संरचना कैसे होगी, वर्ग कैसे कार्य करता है, और वर्ग के अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है जो कि उपज उत्पादों को छानने का कार्य करते हैं, यानी रुधिर से उनको पृथक करने का कार्य करते हैं, इन शुद्ध रुधिर को तो पृथक कर देगी और नाइट्रोजन उत्पादों को पृथक कर देगी, वो कैसे करते हैं उसके बारे में अपन इसकी संरचना पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, गमन और संचलन, यानी हम हाथ कैसे हिलाते हैं, चलते कैसे हैं, ये सारी क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न होती है, ये संपन्न होगी हमारे कंकाल तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा संपन्न होगी, कंकाल तंत्र के द्वारा। और कंकाल तंत्र का मतलब हमारे जो विभिन्न प्रकार की अस्थियां और उपास्थियां हैं, यानी हड्डियां और उपास्थियां हैं, वो मिलकर के इस तंत्र का निर्माण करती है। तो ये हमें कैसे चलने में सहयोग करती है, हमारे शरीर में कौन कौन से भाग में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है। अपन ये तो सुना है कि 206 हड्डियां होती है, यानी मानव में कितनी हड्डियां होती है, 206 होती है, लेकिन ये कौन 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 से भाग में होती है, इनकी संरचना कैसी होती है, ये हमारे गमन में कैसे सहायता करती है, और इनमें क्या पाया जाता है क्या। और ऐसा एक और इम्पोर्टेंट बता देता हूं आपको कि इन हड्डियों में ही रुधिर का निर्माण होता है, और इन हड्डियों में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है, कैसे होता है और किस प्रकार से बनता है, इनकी संरचना को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। यानी रुधिर हमारे शरीर में कैसे बनता है, हड्डियों में कैसे बनता है, ये हड्डियां हमें गमन चलने में कैसे सहायता प्रदान करती है, ये ज्वाइंट है कैसे हिलते हैं, इन ज्वाइंटों के नाम क्या है, इनके बारे में अपन चर्चा कहाँ पर करेंगे, कंकाल तंत्र में करेंगे, ठीक है। फिर आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तंत्री के नियंत्रण और समन्वय, और इसके यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में, तंत्री का तंत्र के बारे में, किसके बारे में चर्चा करेंगे, तंत्री का तंत्र, यानी तंत्री का तंत्र हमारे शरीर के प्रत्येक भाग के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित है, और तंत्रिका कोशिका कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं वो न्यूरोन कहते हैं, यानी तंत्री का तंत्र की जो संरचना क्रियात्मक इकाई है उसको तंत्रिका कोशिका या न्यूरोन कहते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, दो आवेग होते, एक तो संवेदांग यानी संवेदना लेने वाले होते हैं, और एक क्या होता है, उद्दीपक, जो कि संवेदना को ग्रहण करके संबंधित अंग तक ले जाने वाला होता है, वो क्या कहलाएगा, उद्दीपक कहलाएगा। यानी इसमें सेंसरी और मोटर दो प्रकार की क्या होती है, कोशिकाएं होती है, यानी संवेदनाओं को ग्रहण करने वाली और मस्तिष्क से संवेदनाओं को संबंधित अंग तक लाने वाली। तो इससे सभी यानी ये कैसे ले जाती है, जैसे हमारे यहाँ पर पिन चुभाई जाती है तो उसको तुरंत अपन हाथ डाल देते हैं, कोई गर्म वस्तु से हाथ छूता है तो उसको तुरंत हटा लेते हैं, तो ये सारी क्रियाएं कैसे संपन्न होती है इसका अपन क्या करेंगे, एक विशेष प्रकार से और अच्छी तरह से इसको अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, यानी इसका कंप्लीटली डिसेक्टिव अपन क्या कर लेंगे, अध्ययन करेंगे। फिर आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, रासायनिक समन्वय और उनका एकीकरण कैसे प्रकार का होगा, यानी इसमें अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे, हार्मोन के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हमारे शरीर में भी हार्मोन बनते हैं, और वो हार्मोन क्या होते हैं, जो एक रासायनिक उत्पाद होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो कि सीधे रुधिर में डाल दिए जाते हैं, और रुधिर में जाकर क्या करते हैं, वो हमारे शरीर की क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। और हार्मोन क्या करें, कौन कौन सी ग्रंथियों के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि, यानी जितनी भी ग्रंथि हैं उन सभी ग्रंथियों के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होंगे उनके बारे में, और वो किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं, कैसे उनकी संरचना होती है और कैसे हमारे शरीर पर कंट्रोल करते हैं, उनके बारे में अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये तो हो गया 11th का, जो नीट एम्स जिपमर में भी इसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, क्वेश्चन आएंगे, सिलेबस होगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है जो कि टोटल 11th के पार्ट का 20% भाग है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये 20% वेटेज का भाग है, कौन सा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर विज्ञान 20% भाग है रखता है, यानी इसे 20% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो होगी केवल 11th की बात, अपन आगे करेंगे 12th में कौन कौन से उनके बारे में चर्चा करेंगे, यानी टोटल 100% वेटेज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि इस बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, 45 प्लस 45 किसके आएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के
आते हैं, और 90 क्वेश्चन किसके आएंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन, यानी टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 180 क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन आएंगे नीट एग्जाम में। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन को, यानी आगे के फ्यूचर के अकॉर्डिंग अपन को क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन इसको शुरू से और आगे का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।